हेलो दोस्तों पेपर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके तो दोस्तों तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास टेन से लिए गए क्वेश्चन को जो कि एक निबंध पर आधारित है क्वेश्चन है हमारा विद्यालय विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग दो से तीन शब्दों में निबंध लिखिए तो दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बिहार बोर्ड की सबसे फेमस वेबसाइट बी पर मिला है अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो सबसे पहले आपको किसी वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा उसके एड्रेस बार में टाइप करना होगा डब्ल्यू वेबसाइट होने वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको नोट सल्यूशन वाले कॉलम पर आ जाना है और क्लास टेन्स पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी में भी हिंदी पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको ओल्ड पेपर सोल्यूशन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको सेट वन टू पर आ जाना है इस पर आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स पर आना है जहां पर लिखा है हमारा विद्यालय विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग दो सौ पचास से तीनों शब्दों में निबंध लिखिए इस पर आप क्लिक कर दें दोस्तों अगर आपको सीधा इसी पेज पर आना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन है हमारा विद्यालय विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग दो से तीनों शब्दों में निबंध लिखिए इसका आंसर है पारम विद्यालय को प्राचीन काल से एक मंदिर का स्थान दिया गया है प्राचीन काल में बालक छे, छे की में, गुरु के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे गुरु उनको शारीरिक और बौद्धिक संस्कारों को पूर्ण कराता हुआ उन्हें सभी शास्त्रों एवं उपयोगी विद्याओं की शिक्षा देने तथा अंत में दीक्षा लेकर उन्हें विवाह का विवाह कर गृहस्थाश्रम विविध कर्तव्यों का पालन करने के लिए वापस भेजता वर्तमान के विद्यालय प्राचीन काले गुरुकुल से बहुत अलग अवश्य है किन्तु आज भी आज भी विद्यालयों को मंदिर का और अध्यापक भगवान का दर्जा दिया जाता है मेरा विद्यालय शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकांश स्थल पर है प्राचीन काल से विद्यालय के लिए ऐसे स्थान को उपयुक्त तो समझा जाता था जहाँ पर किसी प्रकार का शोर ना हो क्योंकि पढ़ाई के लिए शांति शांति की आवश्यकता होती है मेरा विद्यालय बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं मेरे विद्यालय के पीछे की ओर एक बड़ा सा मैदान है जिसमें हम सभी विद्यार्थी खेल कूद का आनंद लेते हैं यहीं यहीं पर हमारा प्रार्थना स्थल है जहाँ पर हम सुबह प्रार्थना करते हैं और दिन में दिन की शुरुआत करते हैं विद्यालय के मैदान के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं और छोटी छोटी घास लगी हुई है विद्यालय परिसर की कई छोटी छोटी वाटिकाएं भी हैं जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं इससे हमारे विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा रहता है और यहाँ देखने में भी सुंदर लगता है शिक्षक शिक्षण शिक व्यवस्था अनुशासन किसी भी व्यवस्था अनुशासन किसी भी व्यक्ति की सफलता में अहम भूमिका निभाता है जब बच्चा छोटा होता है तब वह पहले परिवार से तथा बाद में विद्यालय में जाकर अनुशासन के महत्व को समझता है अनुशासन की दृष्टि से हमारा विद्यालय बहुत कठोर है विद्यालय में यदि कोई विद्यार्थी अनुशासन का पालन करता है तो उसे कड़ा दंड दिया जाता है प्रतिदिन वर्दी नाखून और दांतों का निरीक्षण किया जाता है प्रत्येक विद्यार्थी घर पर उसके अनुशासन की मासिक रिपोर्ट भेज जाती है हमारे विद्यालय में कुल बीस अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो प्रत्येक कक्षा कक्ष में अलग अलग विषय पढ़ाते हैं सभी अध्यापक अध्यापिका अपने अपने विषय में विद्वान हैं जिस कारण से हमें हर विषय सरल में सरलता से समझ में आ जाता है पाठ्यक्रम कार्य हमारे विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह योग की कक्षा भी होती है जिसमें योग कराना सिखाया जाता है तथा योग के महत्व को समझाया जाता है हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है ये भी बताया जाता है योग से हमारा तन मन चुस्त और फुर्ती बनी रहती है जिससे हमारे पढ़ाई में मन लगता है हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक बहुत ही शांत और अच्छे व्यक्ति की व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वे हमें हमेशा कुछ नया करने की सलाह देते हैं रोज प्रार्थना में एक शिक्षा प्रद खान सुनाने सुनाकर हमें शिक्षा का महत्व बताते हैं उन्होंने जब जब से विद्यालय का कार्यभार संभाला है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही विद्यालय की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है हमारे विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई प्रतियोगिता होती रहती है या चित्रकला वाद कविता आदि प्रतियोगिता होती रहती है जिससे सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़ भाग लेते हैं हमारे विद्यालय में कुछ बड़ी संस्थाएं द्वारा प्रतियोगिता रखी जाती है जिसमें विद्यार्थियों को कुछ इनाम के तौर पर कुछ कुछ धन भी दिया जाता है हमारे विद्यालय का परिणाम हर वर्ष शत प्रतिशत ही रहता है जिस कारण हमारा विद्यालय हमारे शहर का जाना माना विद्यालय बन गया है विद्यालय के परीक्षा परिणाम के शत प्रतिशत रहने का कारण यह है कि शिक्षक का विद्वान और अच्छे व्यक्तित्व का होना भी है जो विद्यार्थियों के सभी प्रश्नों को धैर्य के साथ सुनते हैं तथा तो उनका समाधान करते हैं अध्यापक के साथ साथ बच्चों के उनके अभिभावक की मेहनत के कारण भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर विषय शत प्रतिशत रहता है उपसंहार किसी भी राष्ट्र की सर्वोत्तर निधि उस राष्ट्र के बच्चों को कहा जाता है राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों का स्वर्गणी विकास अच्छे से हो और बच्चों को स्वर्गणी विकास के लिए विद्यालय का एक उपयुक्त तो जगह है जहाँ पर बच्चा ले, पढ़ लिख कर सुसंस्कृत और सभ्य नागरिक बनता है और देश की प्रगति में अपना सहयोग देता है विद्यालय और शिक्षा का एक व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है अतः हम सभी को चाहिए कि प्रत्येक बच्चे विद्यालय शिक्षा के समीप लाए ताकि वह देशी प्रगति में अपना असह सहयोग प्रदान कर सके तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा इसी तरह आप इस वेबसाइट पर सभी प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू